इस भारत माँ के वीर सपूत बहुत हुए हैं, आदि अनादि काल से ऐसे ऐसे वीर सपूत हुए हैं जो भारतवर्ष का नाम विश्व गुरु में दर्ज करवाने के लिए अपना पुरजोर कोशिश कर चुके हैं, अपनी पुरजोर कोशिश कर चुके हैं। मत भूलिए चंद्रगुप्त मौर्य को, मत भूलिए बिंबिसार को, मत भूलिए स्कंदगुप्त को, मत भूलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को, जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाने में अहम भूमिका निभाई है। तो एक देशभक्ति रचना, क्योंकि ये अटल जी का देश है, ये हमारा देश है, हम सभी का देश है, क्योंकि हम सुनील जी का स्वागत। स्वामी विवेकानंद भाषण के लिए अमेरिका गए थे, किसी विदेशी महिला ने उन पर मोहित होकर उनको पूछ बैठी, वो पूछ बोल बैठी कि अरे भारत में भी ऐसे सुंदर पुरुष होते हैं क्या? तो विवेकानंद जी का इतना तेज, इतनी कांति, चेहरे की कांति देख के वो मंत्रमुग्ध हो गई और औरत मन ही मन उसको चाहने लगी, उनको उनसे प्रेम करने लगी। तब वो विदेशी महिला विवेकानंद जी के पास आती है और पूछ बैठती है कि मुझे आपके जैसा बेटा चाहिए। कहने का तात्पर्य, मुझे आपसे शादी कर दी, मुझे आपके जैसा बेटा चाहिए। विवेकानंद जी ने कितना सुंदर जवाब दिया कि मेरे जैसा बेटा चाहिए तो क्यों ना मुझे ही बेटा मान लो मेरी मां, मेरा सर तुम्हारी गोद में होगा, मुझे ही अपना बेटा मान लो। तो आजकल के जो नौजवान युवा है तो उनके लिए कुछ दो पंक्तियां मैं अर्ज करना चाहूंगा कि ना मरो सनम बेवफा के लिए, ना मरो सनम बेवफा के लिए, कोई काम नहीं आएगा, मरना है तो वतन के। कि ना मरो सनम बेवफा के लिए, दो गज जमीन नहीं मिलेगी कफन के लिए, अरे मरना हो तो मरो अपने वतन के लिए। जरा गौर फरमाइएगा, मरना हो तो मरो अपने वतन के लिए, क्योंकि हसीना भी दुपट्टा उतार देगी कफन के लिए, हसीना भी दुपट्टा उतार देगी कफन के लिए। भूपाली, गुरु है, ये सोने की धरती है। अरे विदेशी लुटेरे लूट के चले गए तो क्या हुआ, आखिर भारत से ही तो वो अमीर हुए हैं, आखिर भारत से ही तो अमीर हुए हैं। तो मीठी मीठी तालियों के साथ, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। क्या एज है तुम्हारी? 19 साल, 17 साल। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए, कितना सुंदर ऑर्गन प्ले कर रहा है, कि छोटी एज में भाई साहब, जोरदार तालियां हो जाए। देखो कंजूसी मत कीजिए, इन बच्चों की हौसला अफजाई दत्तक नहीं होगी,
अगर वो आगे नहीं बढ़ेगा तब तक अभी तालियां नहीं बजेगी। देखिए ये धरती वो जहां ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरिओ 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 हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, राधा एक एक बाला। जहां हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, क्योंकि जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। कहीं मेले, विश्व में ऐसा कोई भी दूसरा देश नहीं है जहां इतने त्योहार मनाए जाते हैं, ऐसा कोई भी दूसरा देश नहीं है जहां सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है, एकमात्र है वो भारत। इसलिए सभी से निवेदन करता हूं, उठाए दोनों हाथ, अपने मातृभूमि के लिए जयकारा लगाए, भारत माता की जय। कहीं दिवाली की जगमग है होली के, कहीं मेले होली के, कहीं मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, 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 मेरे नौजवान भाइयों। दुष्यंत कुमार जी ने कितनी सुंदर बात बोली है, हो कहीं भी पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अरे मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन
आग जलनी चाहिए। ये आग ईर्ष्या की नहीं हो, द्वेष की नहीं हो, ये आग आपसी भाईचारे की हो, समानता की हो ये आग। अरे ऐसे मातृभूमि में ऐसे ऐसे वीर सपूत, इन माताओं ने वीर सपूत को जन्म दिया है। अरे देखिए सनातन आदि अनादि काल से कितने कितने वीर शिरोमणि भारत में जन्म लिए हैं। अरे उनको जन्म देने वाली जगत जननी, अरे उनकी माता को जन्म देने वाली माँ को हम दिल से प्रणाम करते हैं। तो एक माँ का भजन जरूर कहूंगा जो हमारी सभी माँ के लिए है, अटल जी की माँ के लिए भी, और वीर शिरोमणि जो भी योद्धा वीर सपूत हुए हैं इस भारत में, उनकी सभी माओं को मेरा शत शत नमन है। तुम जी भाई साहब आज्ञा हो, गाली चार लगा। माँ के लिए मैं कुछ शब्द आपके सामने, हमारे जोधपुर के ही बहुत ही महान कवि शैलेश जी लोढ़ा ने बहुत ही सुंदर भावनाएं व्यक्त की हैं माँ के लिए। अच्छी लगे तो गौर से सुनना, सच्ची लगे तो अनिल भाई कहते हैं कि तालियां बजाना तो थोड़ी सी तालियां बजा लेना, क्योंकि माँ एक शब्द है तो वो हम एक शब्द है तो वो पूरी परिभाषा है, हम एक शब्द है तो वो पूरी भाषा है, हम कुंठित हैं तो वो पूरी अभिलाषा है, बस माँ की यही परिभाषा है। हम समुद्र का है तेज वेग तो झरनों का है निर्मल स्वर, हम समुद्र का है तेज वेग वो झरनों का है निर्मल स्वर, हम एक शूल है तो वह सहस्त्र ढाल प्रखर, हम एक शूल है तो वह सहस्त्र ढाल प्रखर, हम दुनिया के हैं अंग तो वह उसकी अनुक्रमणिका है, हम पत्थर के हैं संग तो वह कंचन की कणिका है, हम बकवास हैं वह भाषण है, हम सरकार हैं वह शासन है, हम लव कुश हैं वह सीता है, हम छंद हैं वह कविता है, हम राजा हैं वह राज है, हम मस्तक हैं वह ताज है, वही सरस्वती का उद्गम है, वही रणचंडी और नाशा है, हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है, क्योंकि माँ हमारी है। माँ कहते ही दुबा भर आ जाते, विश्व का कोई भी कहना ऐसा नहीं है जिसमें माँ को माँ नहीं कहा जाता, कोई किस भाषा में बोलता है किस भाषा में बोलता है। अरे जब तक माँ होती है तो मैं हर एक के लिए बात नहीं कहता हूँ, लेकिन जो आज युवा पीढ़ी नशे में लिप्त है, अलग अलग व्यसनों से अपने शरीर को खराब कर रही है, उनसे मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि इन व्यसनों में अपना पैसा और समय बर्बाद ना कीजिए, भारत देश की सेवा में अपना समय और त्याग को समर्पित कीजिए, क्योंकि अगर माँ बाप की सेवा सच्ची लगन से ना हो, माँ बाप की सेवा उनकी कदर समय रहते अगर हमें नहीं करनी है, तो उनके जाने के बाद उनकी क्या पोजीशन थी, वो क्या थी, तब उनका एहसास होता है, तब हमें उनकी कदर महसूस होती है। तो शैलेश जी लोढ़ा ने बहुत ही सुंदर बात लिखी है, जब माँ बाप होते हैं तो कोई कदर नहीं करता, लेकिन जब माँ चली जाती है तो वो क्या कहती है, पीछे वो सन्नाटा क्या कहता है, कि कल जब सुबह उठकर काम पर जा रहा था, माँ नहीं होती तब की बात है, कि कल जब सुबह उठकर काम पर जा रहा था, अचानक लगा कोई रोक लेगा मुझे, अचानक लगा कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़ा खड़ा दूध मत पी बेटा, हजम नहीं होगा, दो घड़ी सांस ले ले। अरे इतनी ठंड और कोट भूल गया, अरे इतनी ठंड और कोट भूल गया, अरे इसे भी तो अपने साथ ले ले। मन में सोचा माँ रसोई से बोली होगी, उसके हाथों में सना आटा होगा। मन में सोचा कि माँ रसोई से बोली होगी, उसकी हाथों में सना आटा होगा। बात बहुत छोटी है लेकिन दर्द बहुत बड़ा है, इसलिए कहता हूं साहब कि मन में सोचा माँ रसोई से बोली होगी, उसके हाथों में सना आटा होगा, लेकिन पीछे घूमकर देखा तो क्या मालूम था कि वहां तो सिर्फ एक सन्नाटा था, वहां तो सिर्फ एक सन्नाटा था। घूम के देखा तो क्या मालूम था कि वहां तो सिर्फ एक सन्नाटा था जिसपे बीतती है आज ओम जी भाई साहब। थोड़े महीनों पहले ही ओम जी भाई साहब की माता जी का स्वर्गवास हुआ है, उनको भी मैं शत-शत यहाँ से प्रणाम करता हूँ। मैं गया था, मेरी भी माँ नहीं है, कईयों की माँ नहीं होती है। कि घूम के देखा तो क्या मालूम था कि वहां तो सिर्फ एक सन्नाटा था, अरे अब तो सिर्फ हवाएं बात करती हैं, अरे अब तो सिर्फ हवाएं बात करती हैं, मुझसे लगता है जब जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा दही शक्कर खा ले बेटा अच्छा शगुन होगा, गुड़ खा ले बेटा अच्छा शगुन होगा, पर मन इसी बात के लिए तो रोता है कि सब कुछ है माँ, अरे माँ सब कुछ है, कि जिस आजादी के लिए तुमसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा, कि जिस आजादी के लिए मैं तुमसे सारी उम्र लड़ता रहा, ये सारी आजादी आज मेरे पास है, ना जाने क्यों फिर भी दिल की हर धड़कन उदास है। कहता था ना माँ तुझसे कि मैं वही करूंगा, कहता था ना माँ तुझसे कि मैं वही करूंगा जो मेरे जी में आएगा, आज मैं वहां हूं और मैं वही सब कुछ करता हूं जो मेरे जी में आता है, आज मैं वो सब कुछ करता हूं जो मेरे जी में आता है। माँ बात ये नहीं है कि मैं जो चाहे कर लूं, बात ये नहीं है कि मैं जो चाहे कर लूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं, दुख है तो बस इतना सा कि सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं।
ये माँ की तरफ। रात को देर से लौटू तो कौन नाराज होगा भला, अरे कौन कहेगा बार बार कि अब कहाँ चला, दोस्तों के साथ घूमने पर उलाहने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन सहेगा। सच्ची बात बता रहा हूं कि गम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी, गम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी, और मां की दौलत दुनिया से औलाद से बढ़कर क्या होगी, मां की दौलत दुनिया में औलाद से बढ़कर क्या होगी। तो रात को देर से जब लौटू तो कौन नाराज होगा भला, कौन कहेगा बार बार कि अब कहां चला, दोस्तों के साथ घूमने पर उलाहने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन सहेगा। अरे पैसे कहां खर्च हो जाते हैं तेरे, क्यों नहीं बताता, सारे सारे दिन मुझे सताता है, रात को लेट आता है, खाना गर्म करने को जागती रहूं, खिलाने को तेरे पीछे भागती रहूं, बहाती रहूं तेरे लिए आंसू, कभी कुछ सोचा है मेरे लिए। खैर मेरा तो क्या होना है, बीड़ी का क्या होगा और क्या हुआ है, तू खुश रह लाना यही हुआ है, तू खुश रह लाना यही दुआ है, तू खुश रह लेना यही दुआ है। और जीवन में जो सर्वश्रेष्ठ पंक्ति मैं आप लोगों को समर्पित करता हूं, हो सके तो तालियां बजाना। और आज तमाम खुशियां ही खुशियां, गम ये नहीं कि कोई ये खुशियां बांटने वाला नहीं, गम ये नहीं है कि कोई ये खुशियां बांटने वाला नहीं, पर कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला होता, कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला होता। तू रोती ना, मैं हंसता, लेकिन मां अंतिम बात कहता हूं, तू होती ना तो हाथ फेरती कभी सर पे या हल्के से बॉम्ब लगाती, तू होती ना हाथ फेरती सर पे तो हल्के से बाम लगाती, आवाजें दे देकर सुबह उठाती, दिवाली पर टीका लगाकर रुपए देती और कहती बड़ों के पांव छूना आशीर्वाद मिलेगा, कपड़े मत फाड़ना अगला कपड़ा अगली दिवाली को सिलेगा, बहन को सताता तो तू चांटे मारती, बीमार पड़ता तो रो रो की नजरें उतारती, परीक्षा से आते ही दूध पिलाती, पढ़ते हुए खूब खाना खिलाती, पिता की डांट से डर दिखाती, पिता की डांट का डर दिखाती, पिता की डांट से तू ही तो बचाती, इसे नौकरी मिल जाए ये तरक्की करे दुआओं में हाथ उठाती, इसे नौकरी मिल जाए ये तरक्की करे दुआओं में हाथ उठाती, और तरक्की के लिए घर छोड़ देगा ये सुन के दरवाजे के पीछे चुपके चुपके आंसू बहाती, ये सोच के दरवाजे के पीछे चुपके चुपके आंसू बहाती। सब कुछ है मां सब कुछ, आज तरक्की के हर रेखा तेरे इन बेटों को छुकर निकलती है। अनिल जी ये इतने सारे म्यूजिशियन आप सभी जो तरक्की कर रहे हैं, मैं ओम जी भाई साहब सभी तरक्की कर रहे हैं, आज तरक्की की हर रेखा तेरे इन बेटों को छुकर गुजरती है मां, पर मां हमें तेरी बहुत याद आती है, माँ पर माँ हमें तेरी बहुत याद आती है। अपनी माँ के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए अगर दिल से।